छात्रा सुनीता जाटव की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत, एम्बुलेंस से लाया गया अस्पताल, बिना पीएम के ले गए परिजन। खबर शिवपुरी के जिला अस्पताल से आ रही है, जहां एक छात्रा को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया था। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि पहले से ही छात्रा की मौत हो चुकी थी, परिजन बिना पीएम कराए ही छात्रा के शव को ले गए। जानकारी के अनुसार सुनीता जाटव पुत्र बनवारी जाटव उम्र 20 साल निवासी चंदूरिया थाने कोलारस छात्रा को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचे उससे पहले ही छात्रा की मौत हो चुकी थी। जब इसकी जानकारी परिजनों को दी गई तो परिजनों को डॉक्टर ने पीएम की सलाह दी, जिससे कारण स्पष्ट हो सकेगा कि किस कारण से छात्रा की मौत हुई है, जिसकी जानकारी अस्पताल चौकी प्रभारी अजय खालको को भी दी गई। लेकिन डॉक्टर की सलाह ना मानते हुए परिजन छात्रा के शव को लेकर घर चले गए। वहीं बिना पीएम के ही छात्रा के शव को लेकर चले गए। जब इस संबंध में पुलिस चौकी प्रभारी अजय खालको से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, केवल जानकारी दी है। वह सभी परिजन पीएम नहीं कराना चाहते हैं, तो उन्होंने पीएम नहीं कराया। इस पूरे घटनाक्रम में छात्रा की मौत का कारण पता नहीं चल सका। वहीं पीएम की सलाह इसलिए दी गई थी कि छात्रा की मौत आखिर किस कारण से हुई वह पता चल सके, लेकिन बिना पीएम के ही छात्रा के शव को परिजन ले गए। मृतका सर, ये कोलारस से एक छात्रा आई थी सुनीता जाटव, ये किस तरह से यहाँ आई थी, क्या मौत का कारण है? जो ये सुनीता जाटव जो पेशेंट आई है हमारे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे मृत अवस्था में उसके परिजन उसको लेके आए हैं 108 एम्बुलेंस से। तो इस संबंध में परिजनों को भी जानकारी नहीं है कि अचानक से कैसे उसकी डेथ हो गई, इसलिए हमने इसकी जानकारी जो अस्पताल पुलिस चौकी है उनके प्रभारी को सूचना भेजी है। और अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी अजय खलको जी अब पेशेंट के परिजनों से बात करके आवश्यकता होगी तो पोस्टमार्टम परीक्षण कराएंगे, तब मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। जी, तो यहाँ पे ब्रॉड डेड आई थी? हाँ, यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया था पेशेंट को। तो आपने क्या पीएम सजेस्ट किया? हमने परिजनों को सलाह दी थी कि मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम आवश्यक है, अब लेकिन परिजन उसके पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे हैं, ऐसा वो कराना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी सलाह तो यही है कि पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। परिवार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है? नहीं, तो डॉक्टर ने तहरीर भेजी, डॉक्टर बोल रहा है कि उन्होंने पीएम सजेस्ट किया है और आपको सूचना भी दे दी है इस संबंध में उन्होंने। नहीं, इसमें क्या कोई वैसे तहरीर में डॉक्टर के द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाने से ऐसे कुछ नहीं लिखा है? नहीं, तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि हमने तो पीएम सजेस्ट किया और पुलिस को भी सूचना दे दी है इस संबंध में। सूचना तो दे दी है। संदिग्ध मौत के मामले में क्या पुलिस को पीएम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए मौत का कारण जानने के लिए, क्योंकि संदिग्ध मौत तो है ही ना उस बच्ची की? तो इसमें डॉक्टर ने लिखा नहीं, तो अब उसमें क्या मैं जवाब? डॉक्टर हमसे ये कह रहे हैं कि हमने पीएम सजेस्ट किया और पुलिस को भी सूचना दे दी है इस संबंध में। सूचना दे दी है, मैं मान रहा हूँ ना, इसमें कोई जहरीले पदार्थ का तो लिखा नहीं डॉक्टर ने तेरी में, इसलिए आपने पीएम नहीं करवाया। बस